हाँ जी बनाना चाहिए, परंतु बनावेगा कौन? बनाने वाला ही घड़ी घड़ी संशय बुद्धि होता रहेगा। आज अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, त्रिमूर्ति में शिव बाबा का चित्र बनावेंगे एक्यूरेट, अच्छा पुरुषार्थ है या खराब है? बहुत अच्छा पुरुषार्थ है। माया किसके पीछे पड़ेगी है? अच्छे पुरुषार्थियों के पीछे माया पड़ती है या ठंडे पुरुषार्थियों के पीछे पड़ती है? माया पीछे पड़ जाएगी तो डर जावेंगे क्या? तो बनाओ। और अच्छे कर्मों के लिए ढूंढ रहे क्या बुरे कर्मों के लिए ढूंढ रहे, ये कैसे समझ में आएगा? अच्छे कर्मों से भी अच्छे कर्मों की रील घूम रही है, घूम रही है। जब अच्छे कर्मों की रील घूमती है तो याद अच्छी आवेगी, और जब बुरे कर्मों की रील घूमती है तो पुरुषार्थ करने पर भी, अच्छे से अच्छा प्रयास करने पर भी याद अच्छी नहीं आती है। यही निशानी है कि हमने अच्छे कर्म किए हैं या खराब कर्म किए हैं। संगम युग में ये रील घूमती रहती है। जिस समय ज्ञान में आए थे उस समय की रील ने जरूर अच्छे कर्म किए थे। और जन्म जन्म के राजे हैं, जन्म जन्म के सब राजे हैं के कोई प्रजामैनिक वर्ग में भी चले जाते हैं, दास दासी भी बनते हैं, बनते हैं। ज्यादा कुछ करती है तो जन्म जन्म राजे है जो बाबा का पाठ है अशोक बाबा का, उन्होंने सबसे ज्यादा जन्म ऐसा तो थर्ड जन्म पुरुष भी लेंगे होंगे, लेने होंगे, लेंगे होंगे। अच्छा तो जो रुद्रवाण जी उनके आज कुछ करती वो भी 50 से 50 के ऊपर राजे के पार्ट बने होंगे ना। जितना जास्ती योग लगाने वाले होंगे तो पुरुष जन्म ज्यादा मिलेंगे। जितना जास्ती गहरा ज्ञान लिया होगा तो पुरुष जन्म जास्ती मिलेंगे। और बाबा तो जब लक्ष्मी आती उसमें वो भी बहुत अच्छा करती है। भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का नारा है, पुरुषार्थी जीवन के अंत का नारा है या आदि मध्य का नारा है? तो अंत में तो पुरुषार्थ ही खत्म होने वाला है, फिर तो तुम राज राजेश्वरी बन जावेंगे। तो लक्ष्मी एक्यूरेट याद में जास्ती रहती है, लक्ष्मी के फॉलोअर्स विजयमाला के मण के जो चंद्रवंशी हैं वो एक्यूरेट जास्ती याद में रहते हैं या रुद्रमाला के मण के जास्ती याद में रहते हैं?
तो पुरुष जन्म जास्ती कौन लेंगे? रुद्रमाला की मन के जास्ती पुरुष जन्म लेंगे। और नारायण को और शंकर को दाढ़ी मूछ दिखाते हैं, इनका रहस्य क्या है? नारायण को दाढ़ी मूछ दिखाते हैं? नहीं दिखाते। नारायण को तो नहीं दिखाते, हाँ, नहीं दिखाते। और शंकर को दाढ़ी मूछ दिखाते हैं। याद की स्टेज में नारायण का चित्र दिखाया जाता है या शंकर का चित्र दिखाया जाता है? तो याद करने वाला पुरुषार्थी है या संपन्न बन गया? पुरुषार्थी है। तो जो पुरुषार्थी है वो विकारी भी हो सकता है कभी कभी। अधूरा ब्राह्मण है या संपूर्ण ब्राह्मण है? तो विकारी को दाढ़ी मूछ होती है या नहीं होती है? है, होती है। परंतु अंतर यह है कि ब्रह्मा को सदैव दाढ़ी मूछ दिखाते हैं और शंकर को कभी कभी दाढ़ी मूछ दिखाते हैं और कभी क्लीन शेव भी दिखाते हैं। इसका मतलब कि ब्रह्मा सदैव साकारी स्टेज में रहता है, देहवान की स्टेज में रहता है और शंकर वाली आत्मा कभी देवान से परे निराकारी स्टेज में भी स्थिर हो जाती है। और बाबा और पंडरपुर में गए तो महिला कुंडली के सामने रहे नाथे नदी और बोलते महिला बेटी प्रक्रम आने चली वाले बीमा उधर ही चला ऐसे बोलते हैं। क्या बोलते? कुंडली का बेटी प्रक्रम आनेगा चरणी वाले बीमा उधर ही चला ये बोलते हैं। इसका अर्थ क्या? तो अर्थ हिंदी में बताओ, तुझे मराठी बोल दी बच्चों से मिलने के लिए। बच्चों से मिलने के लिए परब्रह्म से परब्रह्म आएगा। बच्चों से मिलने के लिए परब्रह्म ऐसे बोलते परब्रह्म आएगा। हाँ वो तो ठीक है। हाँ चरणी भरे तो बुद्ध रूपी पांव में गंगा बहती है ना। जब भगवान आएगा तो उसकी बुद्धि में ज्ञान की गंगा बहेगी ना। हाँ और बाबा जो रैली हो रहे हैं ना एडवांस में रैली कर रहे हैं। ज्ञान गुप्त है। ज्ञान गुप्त होने की वजह से ही तो वो नहीं समझ पा रहे हैं। हम भी ब्रह्मा कुमारी जैसे क्यों कर रहे हैं? बाबा ने तो बोला है ना कि प्रदर्शनी करो। वो सिर्फ जड़ चित्रों की प्रदर्शनी करते हैं, हम ज्ञान रत्नों की प्रदर्शनी करते हैं। जड़ चित्रों के साथ साथ ज्ञान की भी प्रदर्शनी करते हैं। हमारी प्रदर्शनी तब सफल होगी जब हमारा चैतन्य चित्र भी प्रदर्शन करे। सिर्फ ज्ञान रत्नों का प्रदर्शन करने से हमें सफलता नहीं मिलने वाली। चेहरों में भी वो चमक दिखाई पड़े अव्यक्त स्टेज की। और माने जो कर रहे उनके आगे जब हिटलर निकला ना, हिटलर लड़ाई पर निकला ना। क्या हिटलर? हिटलर हिटलर
तो उसने स्वस्तिक का चिन्ह क्यों लिया था? वो इशारा था कि ये जो स्वस्तिका का चिन्ह है ये चारों ओर को प्रदर्शित करता है, ऊपर की भी रेखा है, बाजू की भी रेखा है, इधर की भी रेखा है, उधर की भी रेखा है। माना मेरा लक्ष्य सारी दुनिया को विजय प्राप्त करने का है। लेकिन वो अर्थ तो जानता ही नहीं था, और हम तो अर्थ को भी जानते हैं कि चारों दिशाओं में विजय प्राप्त करना ही हमारा लक्ष्य है। चारों दिशाओं में दुनिया में जो भी धर्म फैले हुए हैं, जो भी राज्य फैले हुए हैं, सब के ऊपर जीत पानी है। परंतु हिटलर की हिटलर शाही हिंसा के आधार पर थी, और हम राज्य करेंगे अहिंसा के आधार पर। और एक कैसे हो गए? जो जानता होगा वो ही बताएगा। शिव और शंकर एक हो गए भक्ति मार्ग में, दूसरा कोई देवता शिव के साथ मिलकर एक नहीं हो गया। इसे साबित होता है कि शंकर ने ही प्रैक्टिकल जीवन में ऐसा पुरुषार्थ किया है जो 100% शिव के साथ मिलकर एक हो गया है, एक आकार हो गया है। वो तो कहते हैं शंकर है ही नहीं। जब शंकर ही नहीं है तो मिलावेंगे किससे? भक्ति मार्ग में तो मिलाया गया है ना, दोनों को मिला के एक कर दिया है। और तीसरा जो प्रश्न है, आत्मा तो परमात्मा नहीं है तो आत्मा तो परमात्मा का गायन किसका है? हाँ, जरूर गायन है आत्मा सो परमात्मा, तो जरूर कोई तो आत्मा है जो परम पाठधारी है। सब आत्माएं तो परम पाठधारी नहीं हो सकती। ये सच रूपी रंगमंच है, रंगमंच पर आत्माएं नंबरवार पार्ट बजाने वाली हैं, तो कोई हीरो पार्टधारी भी तो होगा। जो हीरो पार्टधारी है उसी का गायन है आत्मा सो परमात्मा। और साकार भगवान कुछ नहीं है, कुछ साकार भगवान कैसे हो? कृष्ण गीता का साकार भगवान नहीं है, वो तो इसी बात से साबित हो जाता है कि कृष्ण की आत्मा 84वें जन्म में क्या बनती है? ब्रह्मा बनती है। और भक्ति मार्ग में ब्रह्मा की कोई पूजा नहीं होती, कोई मंदिर नहीं बनते, कोई मूर्तियां नहीं बनती। इससे क्या साबित होता है? कि ब्रह्मा भगवान नहीं है, और ब्रह्मा और कृष्ण की आत्मा तो एक ही आत्मा है। इससे साबित होता है कि गीता का भगवान कृष्ण कृष्ण नहीं है। और जो भगवान होगा उसको तो सारी दुनिया मानेगी, सारी दुनिया जानेगी, सारी दुनिया पूजा करेगी। ब्रह्मा को तो सिर्फ ब्रह्मा कुमारियों ने ही माना है, यह सारी दुनिया ने माना है। और बाबा
पिता ब्रह्मा भी, प्रजापिता ब्रह्मा का भी ब्रह्मा मुख से जन्म हुआ। प्रजापिता ब्रह्मा का ब्रह्मा मुख से जन्म हुआ क्योंकि वो पहला ब्राह्मण है। ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए बगैर तो ब्राह्मण नहीं बनेगा। ब्रह्मा का बच्चा ब्राह्मण कहा जाता है, विष्णु का बच्चा वैष्णव कहा जाता है। एक मात्रा बढ़ जाती है बच्चे या फॉलोअर के अर्थ में। तो प्रजापिता अगर पहला ब्राह्मण है तो जरूर कोई ब्रह्मा उससे पहले हुआ है, क्योंकि ब्रह्मा के मुख से सुने बगैर ब्राह्मण नहीं बन सकता। कुखवंशावली ब्राह्मण हो सकता है लेकिन मुखवंशावली असली ब्राह्मण नहीं हो सकता। तो ब्रह्मा है ना आदि ब्रह्मा, ये आदि पुरुष को भी ब्रह्मा मुख से पैदा करती है। आदि पुरुष है ना प्रजापिता ब्रह्मा। आदि पुरुष, आदि पुरुष तो नारायण को कहा जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा आदि पुरुष बनता है। जगदम्बा तो बेटी है, किसकी बेटी है? ब्रह्मा की बेटी है। और ब्रह्मा का बाप कौन? वो शिव बाबा कौन है? शिव तो ज्योतिबिंदु का नाम है, तो बाबा कौन है? जरूर कोई बाप है। ब्रह्मा कुमार कुमारी कहे जाते हैं तो जन्म देने वाला, बीज बोने वाला, ज्ञान का बीज बोने वाला भी चाहिए। तो कौन है जिसने बीज बोया ज्ञान का, जो ब्रह्मा को भी इस बात का पता चल गया कि सफेद पोष के रूप में मेरा ही ब्रह्मा का पार्ट है, मैं ही सतयुग में जाके कृष्ण के रूप में जन्म लूंगा, मुझे ही विष्णु वैसा बनना है और इस दुनिया का विनाश होना है। वरना उनको तो साक्षात्कार हुए थे, पता तो कुछ भी नहीं चला। वाराणसी के विद्वानों से जाके पूछा, उनसे भी पता नहीं चला। तो फिर उनको ये ज्ञान कहां से पैदा हुआ है? जरूर कोई बीज डालने वाला होना चाहिए ना। परंतु जो शैशव काल में बच्चे होते हैं, शिशु होते हैं, उनको अपने बाप का पता नहीं होता है। तो ऐसे ही ब्रह्मा भी बच्चा बुद्धि है, उनको ज्ञान तो मिला परंतु ये बुद्धि में नहीं बैठा कि ये ज्ञानदाता बाप साकार में हमारा यही है। क्यों नहीं बुद्धि में बैठा? आज की दुनिया में जो गरीब बच्चे हैं, गरीब निवाज बाप के गरीब बच्चे, उनकी बुद्धि में बैठता जाता है। जब उनको पूरा परिचय मिलता है तो बैठता है या नहीं बैठता है? तो साहूकारों की बुद्धि में क्यों नहीं बैठता है? कोई न कोई घमंड रहता है। तो शिव बाबा भी
जब प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आया तो कोई प्रसिद्ध व्यापारी नहीं था, छोटी सी हीरों की दुकान चलाता था। सच्चा हीरों का व्यापारी था। इस झूठ की दुनिया में सब झूठे व्यापारी हैं। इमिटेशन की दुकानें खोल खोल के बैठे हैं। सच्चाई के नाम पर इमिटेशन बेच देते हैं और लाखों करोड़ों कमा के बैठ जाते हैं। और वो सच्चा हीरा बेचता था तो उसकी दुकान पर कोई आता ही नहीं था। आखिरीन बाबा ब्रह्मा बाबा के यहां मुरली बोला 10 वर्ष से रहने वाला माने कोई था जो दादा लेखराज की दुकान में 10 वर्ष पहले से नौकरी कर रहा था। बाबा ने उसकी होशियारी को देख करके सारी दुकान उसके हाथ में सौंप दी, बरवली एग्रीमेंट कर लिया। उसकी सच्चाई और ईमानदारी और होशियारी को देख करके कि दुकान में संपत्ति सारी हमारी और मेहनत सारी तुम्हारी, दोनों भागीदार बन गए थे। परंतु साहूकारी का निशा दोनों के बीच में किसको चढ़ा हुआ था? वो समझते थे ये तो हमारा दुकान का नौकर है। तो दुकान का नौकर को कोई इज्जत की दृष्टि से देखेगा क्या? नौकर माने दास। तो नजर दूसरी थी, इसलिए ब्रह्मा बाबा ने उसको पहचान नहीं पाया। जिन बच्चों ने पहचाना उस समय वो ही सूर्यवंशी बच्चे निकले। जैसे बाप शरीर छोड़ करके चला गया यज्ञ के आदि में, वो बच्चे भी चले गए। वो ही गरीब बच्चे अभी भी बैठे हुए हैं एडवांस में। दुनियावी साहूकारी का नशा उनको नहीं है, इसलिए बाप को पहचान लिया। और ब्रह्मा बाबा ने है बाप को नहीं पहचान पाया। और बाबा वो आदि ब्रह्मा प्रजापिता ब्रह्मा है ना, उसके आदि ब्रह्मा से जन्म हुआ, तो आदि ब्रह्मा जगदम्बा। जगदम्बा है तो माँ, क्योंकि मुख से सुना है। प्रजापिता ने किससे सुना? गीता माता से मुख से सुना। लेकिन जो सुनाने वाला है उसको बुद्धि में ज्ञान या समझ थी है? नहीं थी। और प्रजापिता ने जब सुना तो सुनते ही उसमें शिव बाबा ने प्रवेश किया। सुनाने वाले में भी प्रवेश किया, सुनने वाले में भी प्रवेश किया, लेकिन जिसने सुना सुनने के साथ ही साथ बुद्धि में उसका अर्थ बैठा या नहीं बैठा? दोनों के बीच में एक सुनाने वाला और एक सुनने वाला, दोनों के बीच में बुद्धि में क्या फर्क रहा?
एक ने समझा सुनी हुई बात को और एक ने सुनाया तो लेकिन समझा नहीं, तो दो बातें अलग अलग हो गई। सुनना सुनाना मात्र होता है भक्ति मार्ग का फाउंडेशन, और समझना और फिर समझाना यह है ज्ञान मार्ग का फाउंडेशन। तो जो ज्ञान मार्ग का फाउंडेशन डालने वाला है वो ही नारायण कहा जा सकता है, और आदि नारायण है, विष्णु के रूप में नारायण पद पाने वाली आत्माएं तो हैं और भी, जो ब्रह्मा से विष्णु बनती है, परंतु आदि का कोई होगा या नहीं होगा तो कौन है? जगदम्बा है या प्रजापिता है? जगदम्बा है आदि नारायण है, प्रजापिता है। और नारायण का अर्थ यह है नार आयन, आयन माने घर, उसका घर कहाँ है? ज्ञान ही उसका घर है, अज्ञान में नहीं रहता है, ज्ञान से स्थापना होती है, गति और सदगति होती है। अज्ञान से क्या होता है? विनाश होता है या नई दुनिया की स्थापना होती है? हैं? विनाश होता है, इसलिए जगदम्बा निमित्त बन जाती है। कहे के हैं? विनाश के निमित्त बन जाती है। शक्तियां ही असुर संहारिणी गाई जाती है। प्रैक्टिकल में विनाश करना और कराना ये शक्तियों का काम है, शिव और शंकर का काम नहीं है, सिर्फ गाया जाता है कि शंकर द्वारा विनाश। तो जरूर कोई ने इस बात की गहराई को समझा है कि शंकर द्वारा विनाश क्यों गाया जाता है, विष्णु द्वारा या ब्रह्मा द्वारा या और कोई ब्राह्मण द्वारा क्यों नहीं? क्योंकि योग बल के आधार पर ही प्रकृति का परिवर्तन हो सकता है, ज्ञान सुना करके प्रकृति का परिवर्तन नहीं हो सकता। प्रकृति बड़ी बलवान है, माया से भी जास्ती बलवान कौन है? प्रकृति बलवान है। इतनी बड़ी विश्व का विनाश प्रकृति करेगी, माया तो हिम्मत हार के भी बैठ जाती है। प्रकृति हिम्मत नहीं हारती, और हिम्मत है बच्चे तो मत दे बाप, शिव बाबा को तो मदद करनी ही पड़ती है। और बाबा है सारी दुनिया भगवान को याद करती है, भगवान जिसे अनन्य बच्चों को याद करते सकते होंगे। हाँ, अनन्य बच्चे कौन से होते हैं? अन्य को याद नहीं करते। अनन्य बच्चे वो ही होते हैं जो बाप की सेवा में तन से मन से धन से समय और संपर्क से आदि से ही लगे रहते हैं। ज्ञान मिला, बाप की पहचान हुई, और एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, कोई से मोह नहीं रहता। सारे तन की ताकत, धन की ताकत, मन की ताकत, संकल्पों की ताकत, संबंधियों और संपर्कियों की ताकत, समय की शक्ति कहां लगाते हैं? शिव बाबा के कार्य में लगाते हैं। और बाबा आदि ब्रह्मा
आदि पुरुष आदि माता से जन्म नहीं लेते हैं। लेते हैं जन्म माने ब्राह्मण के रूप में जन्म लेते हैं, देवता के रूप में नहीं। वो शिव जन्म कराता है ना, शिव के बगैर तो कुछ है ही नहीं। और हाँ, और बाबा 33 साल ब्रह्मा के, 33 साल विष्णु के, अब 33 साल चंद्र के नसीब आए हैं ना, तो ब्रह्मा गायन तो नहीं है लेकिन हिसाब है। तो ब्रह्मा के तो 33 साल हो गए। हाँ, चंद्र के भी हो गए, फिर अभी विष्णु को तो 33 साल बचे ही नहीं है। बचे ही नहीं है आएगा क्यों? अव्यक्तवाणी में तो कब से बोला हुआ है कि जो कोई कार्य जो असली करना है वो कोई ने अब तक नहीं किया, अफ्रीका वालों ने शुरू किया है। असली सेवा किसने शुरू की? कब से? 4 से। तो 33 साल हो गए ना। हर गीता असली मान नाम तो दीदी दादियों से जाके पूछो। ज्ञान में तो समझाया जाता है, समझाने के लिए नाम दिया सच्ची गीता और झूठी गीता। सच्ची गीता वो जो एक बार बाप को पहचान ले तो फिर कभी जीवन में छोड़े ही नहीं, और झूठी गीता वो जो पहचान तो लेती है लेकिन फिर भूल जाती है, छोड़ देती है। एक प्रश्न चाणक्य का है क्या? क्यों नहीं बाबा? चाणक्य स्विमिंग करे में चाणक्य जब ये हार जाता है ना अपना जो उसको करना है। किसमें हार जाता है? एक राज्य एक विश्व करने में है? विश्व को एक बनाने में। अरे विश्व कहाँ उसकी बुद्धि में था? उसकी बुद्धि में तो भारत था ना। तो ऐसा शूटिंग पीरियड में क्या होता है जो चाणक्य एकदम हार जाता है और चंद्रगुप्त तो उसको? अरे चाणक्य रावण की दुनिया की बात है, रावण की दुनिया की हिस्ट्री है या राम की दुनिया की हिस्ट्री है? तो रावण की दुनिया में तो कोई कितना भी बुद्धिमान हो बाप को पहचानता है? तब जब बाप कोई नहीं पहचानता है तो हारेगा या जीतेगा? असुर तो बलवान होते हैं, असुर ज्यादा बलवान होते हैं या देवात्माएं ज्यादा बलवान होती हैं? असुर ज्यादा बलवान होते हैं। तो चाणक्य की हिस्ट्री तो है ही द्वापर युग की हिस्ट्री, द्वापर युग से लेकर के कलयुग के अंत तक तो जो बाप के बच्चे हैं उनको हारना ही हारना है या जीत जाना है? हारना ही हारना है। सीता को अग्नि कुंड में कूदते हुए क्यों दिखाया है, इसका अर्थ क्या है? तुम सब सीताएं हो, सब सीताएं हो, इसका मतलब है कि सीता ठंडे को कहा जाता है, दिमाग में गर्मी आने लगे उसको कहा जाता है। ठंडे का नाम सीता है, बहुत सी बांधेली मातृयाएं कहती हैं कि हमारा पति ज्ञान में नहीं चलता है, या चलता भी है तो हमें पवित्र नहीं रहने देता। तो ये पवित्रता धारण करना ये ठंडे मन का काम है या कोई उकसाए दे, छेड़ दे,
और मन में गर्मी आने लगे, उनका नाम है पुरुष। विजय नहीं पा सकते अकेले पुरुषार्थ में। पुरुष सब दुर्योधन दुशासन है, सबको गर्मी आ जाती है, इंद्रियां कंट्रोल से बाहर हो जाती है। लेकिन कन्याओं माताओं के लिए ऐसे नहीं बोला है। पुरुष के ऊपर स्वर्ग स्थापना की जिम्मेवारी सौंपी है या माताओं कन्याओं के ऊपर सौंपी है? है माताओं कन्याओं के ऊपर स्वर्ग स्थापना की जिम्मेवारी सौंपी है, तो जरूर सीता की परीक्षा होगी या नहीं होगी? ऐसे ही पुरुष विचारों को दुर्योधन दुशासन कह दिया। इसलिए बोला है कोई कोई स्त्रियां भी सुपनखा पूतना होती है, जो विकार के बगैर रह नहीं सकती। तो तुम सब सीताएं हो, इसका मतलब ठंडे दिमाग से रहना है, तभी स्वर्ग की स्थापना होगी। नहीं तो घर ग्रस्त स्वर्ग नहीं बन सकता। माताओं के द्वारा ही स्वर्ग स्थापना का कार्य कराते हैं। तो माताओं की परीक्षा भी जरूर माया लेती है। उस परीक्षा में जो पास होंगी वो ही शिव शक्तियां कही जाएंगी। और रुद्रमाला के मणके सब पुरुष स्वभाव के रहते हैं। हाँ, तो शिव शक्तियाँ जो है कहाँ है? शिव शक्तियाँ अरे उनको जन्म देने वाली जगदम्बा का क्या हाल है? जगदम्बा का खून जो जगदम्बा रुद्रमाला की मुखिया है फीमेल्स में, उसका क्या हाल है? शिव शक्ति है, है? कि आसुरी शक्ति बन जाती है? तो फिर रुद्रमाला के मन के जन्म जन्मांतर के पवित्रता को धक्का देने वाले राजाएं हैं भारत के, या भारत की सती होने वाली रानियां हैं? हैं? हाँ, तो भले इस जन्म में स्त्री चोला मिल गया है, परंतु भाव स्वभाव संस्कार जन्म जन्मांतर के कैसे हैं? पुरुष के हैं। वो वृत्ति छूटती नहीं है। और चलो, ये अग्निकुंड में सीता वाला तो हुआ। हाँ, और हाँ, अरे जोर से बोलो। सभी पुरुषों को स्वर्ग दुशासन बोला है, बोल दिया। लेकिन अब तो पुरुष नहीं लेते हैं ना? हाँ, तो नहीं जो कर्म होते हैं वो तो टेम्पररी रहते हैं। हाँ, और विष्णु को भी पुरुष दिखाया है भक्ति मार्ग में। भक्ति मार्ग में ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों को क्या दिखाया है? पुरुष दिखाया है। इसका मतलब ब्रह्मा सो विष्णु बनने वाला जो मुख्य पार्टधारी है वो कौन है? जो चारों भुजाओं को चलाने वाला है वो कौन है? राम वाली आत्मा।
तो तीनों ही पुरुष हैं। हाँ तो पूछना क्या है? भले रथ पुरुष को लेते हैं, लेकिन पुरुष का रथ लेते हुए भी स्त्री चोले की साथ देने की दरकार क्या है? दरकार है या नहीं है? विजयमाला का आवाहन करने की क्या दरकार पड़ गई? दरकार पड़ी या नहीं पड़ी? है नहीं? अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। जो पुरुषार्थी जीवन है वो गाड़ी में दोनों पहियों का पुरुषार्थी जीवन एक ही तीव्रता वाला होना चाहिए, नहीं तो एक तीव्र गति से चले और दूसरा पहिया धीमी गति से चले तो गाड़ी वहीं की वहीं घूमती रहेगी और घूम रही है। रुद्रमाला के मणकों की गाड़ी पुरुषार्थी जीवन में वहां की वहीं घूम रही है या चढ़ती कला में जा रहे हैं? तो कोई तो कारण होगा। और बाबा जिनको सूर्यवंशी माँ यहां दौंड में अचानक मिल गई तो उनकी क्या शूटिंग हो गई और वो सूर्यवंशी आत्माएं हो गई क्या? अरे मिल जाने से थोड़े ही सूर्यवंशी आत्माएं हो जाती है। सूर्यवंशी कैसे बनेंगे? हैं? हैं? पुरुषार्थ में सूर्य की तरह है, तीव्र बनेंगे तब ही तो होगा ना। सच्ची गीता में ये पॉइंट आई है कि बाप सबसे बड़ा आसामी है। यहां आसामी का अर्थ क्या है? सबसे बड़ा आसामी माना है? आसामी का मतलब होता है जिसके पास बहुत धन संपत्ति होती है उसे कहा जाता है बड़ा आसामी। तो यहां कौन से धन संपत्ति की बात है? ज्ञान की धन संपत्ति की बात है। दूसरा पॉइंट है सारा ही सूत मुझा हुआ है, सिवाय बाप के कोई उसको सुलझा न सके। उसका क्या अर्थ है? अरे सूत भक्ति मार्ग में मुझा हुआ है, जितनी भक्ति मार्ग में कथा कहानियां सुनाई जाती हैं उन कथा कहानियों में ज्ञान का सूत मुझा हुआ है या सुलझा हुआ है? मुझा हुआ है। कौन सुलझा सकता है? बाप के सिवाय और कोई उस भक्ति मार्ग की बातों को क्लियर नहीं कर सकता, चाहे वो गीता हो, चाहे वो भागवत हो, चाहे वो महाभारत हो। जब हम लोग भट्टी करने गए थे तो बाबा आप हम पार्टी को मिलने के लिए दिल्ली से फर्रुखाबाद आए थे, लेकिन हमको किसी ने आपसे मिलने नहीं दिया। तो बाबा उस आत्मा की क्या शूटिंग हो गई? उस समय नहीं मिलने दिया तो बाद में मिले कि नहीं मिले? हैं? मिले। तो जब मिले तब ज्यादा समझदार होकर के मिले कि कम समझदार थे?
तो फायदा रहा कि नुकसान रहा? माँ बाप का बच्चा होता है, शिशु होता है, बहुत छोटा बच्चा, और बाप उससे मिलता है पैदा होने के बाद, तो ज्यादा फायदा होता है? या जब बच्चा बड़ा समझदार होता है तब मिलता है, तब ज्यादा फायदा होता है? तो फायदा ही फायदा हुआ, शिकायत की तो बात ही नहीं। मुसलमान लोग सात आठ और छह नंबर को ज्यादा महत्व देते हैं। इसका क्या मतलब? तीनों अंक मिल करके 21 जन्म की बादशाही बनती है। तो कोई मुसलमान हुए होंगे ना, कोई तो हुए होंगे जिन्होंने 21 जन्म की बादशाही ली। सतयुग के पहले जन्म के बाद मुसलमान धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं आती हैं। क्या के पीछे आती हैं? है सतयुग का जो पहला जन्म है उसके बाद जो बच्चे जन्म होंगे वो मुसलमान धर्म में कन्वर्ट होंगे, इस्लाम धर्म में। तो सतयुग में कितने जन्म लेते हैं? है सात जन्म लेते हैं। उनकी बात नहीं है, जो सतयुग का पहला जन्म है उस पहले जन्म में कोई जन्मदाता है इस्लाम धर्म के? कौन है जो गायन है पांडवों के साथ? पांडवों के साथ कुत्ता भी गया, तो वो बीज रूप आत्माएं हैं जो आठ जन्म भी लेती हैं सतयुग में, और उनके बच्चे इस्लाम धर्म में सतयुग में सात जन्म लेते हैं, और जो इस्लामियों के बच्चे होंगे वो कितने जन्म लेंगे? छह जन्म लेते हैं। इसलिए तीन अंक उनको बहुत महत्वपूर्ण है। 786 बीच में क्या आएगा? हाँ वो तो संगम युग से ही प्राप्ति करने वाला है, पांडवों के साथ ही तो है। और दुनिया में कोई भक्त लोग गले में माला डालते हैं और मांसाहारी होते हैं, परंतु मांसाहारी भोजन खाते समय माला निकाल देते हैं और फिर दूसरे दिन फिर वो ही माला धारण कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है? ब्राह्मणों की दुनिया में मांसाहारी होने का मतलब क्या है? हैं? देहभान में आना। तो जब तक देहभान में आते हैं तब तक माला धारण करने वाले नहीं बन सकते, माला के संगठन में नहीं आ सकते। जब मांस खाना छोड़ेंगे, देह अभिमान का सुख लेना बंद करेंगे, तभी
माला का संगठन बना सकेंगे और गलमाला धारण कर सकेंगे। बाबा कोई कोई लोग सोते हैं तो दांत के ऊपर दांत मिसते रहते हैं, किटकिटाते रहते हैं। ऐसी कौन सी आदत है, इसकी शूटिंग क्या होती है? सब बातों की शूटिंग। जब कोई को ज्यादा गुस्सा आता है लेकिन बहुत गुस्सा आने पर भी कुछ कर नहीं सकता तो दांत किटकिटाता है। तो 63 जन्मों में बहुत सा ऐसा पार्ट बजाया होगा तो वो आदत तो पड़ी हुई है दांत मीसने की। वो अज्ञान में जब सोते हैं तब वो आदत चालू रहती है और जब ज्ञान में आ जाते हैं तो वो आदत खत्म हो जाती है। ब्रह्मा को प्रवेश करने के लिए सुजाता दी का पवित्र तन चाहिए ना, सुजाता दी का तन चाहिए ना पवित्र, तो वो पवित्र कैसे माना लास्ट के जन्म में? वो तो ये है ना आठवा नारायण है ना, आठवा नारायण। हाँ तो आठवा नारायण तो ये है। तो क्या हुआ, स्त्री चोला नहीं है? और स्त्री चोला होते हुए भी कन्या नहीं है, और कन्याओं के बीच में भी दुनिया में आश्रम में पलने वाली कन्या नहीं है, गृहस्थी जीवन में पलने वाली कन्या है, वो तो खुद कुछ न कुछ लेप छेप लग सकता है अपवित्रता का। वो तो बाबा की नजरों के नीचे पली है और बाबा उसे विशेष प्यार भी करते थे तो संभाल भी करते होंगे कि नहीं करते होंगे, हैं? तो शंका क्यों पैदा होती है गुलजार दादी के ऊपर? हाँ जी, और सतारा शहर का बेहद का अर्थ क्या है? तारा माने तारा और सतारा माने तारे के सहित, मना अकेला तारा नहीं, तारे के साथ कोई और भी है। ऐसा कोई गायन है? चंद्रमा है, चंद्रमा के साथ कोई तारा भी दिखाते हैं तो नाम पड़ गया सतारा। पुष्कर जहां ब्रह्मा का मंदिर है वहां जो ब्राह्मण है वो पूजा करते हैं मंदिर में, लेकिन लौकिक के लोग उसका दर्शन क्यों करते हैं? इसकी शूटिंग क्या होती है? अभी ब्राह्मणों की दुनिया में शूटिंग पीरियड में पुश माने धक्का कर, पुश कर अर्थात जो धक्के से चलते हैं, अपने आप ईश्वरीय सेवा नहीं करते हैं। क्या एडवांस पार्टी जब निकलती है
तो एडवांस पार्टी का जोर न बढ़ जाए, इस डर के मारे सेवा करते हैं। वो सेवा भल भक्ति मार्ग की ही क्यों न हो, क्योंकि ज्ञान की गहराई को तो जानते नहीं। इसलिए अपने फॉलोअर्स की बुद्धि को डाइवर्ट करने के लिए पॉम्प एंड शो की सेवा करते हैं। तो नाम पड़ गया ऐसे स्थान का पुष्कर, धक्के से सेवा करने वाले। ऐसे पुष्कर में वहां के रहने वाले ब्राह्मण रोज किसका दर्शन करते हैं? कोई चित्र का दर्शन करते हैं, जड़ चित्र का दर्शन करते हैं या नहीं करते हैं? कौन से चित्र का दर्शन करते हैं? ब्रह्मा बाबा का, ट्रांसलाइट का जड़ चित्र रखा हुआ है उसका दर्शन करते हैं। और बाहर से आने वाले जो ब्राह्मण हैं वो भी दर्शन करते हैं या नहीं करते हैं? वो भी दर्शन करते हैं। तो ये यादगार संगम युग की बनी हुई है। पुष्कर में जो भेड़ बकरियों का देश है, वहां कौन से जानवर ज्यादा पैदा होते हैं? है भेड़ बकरियां। एक बकरी अगर गड्ढे में जाएगी तो पीछे पीछे सारी बकरियां गड्ढे में चली जाती। तो कौन सी बकरी है? जो गड्ढे में जाती है और उसके पीछे पीछे सारी बकरियां गड्ढे में चली गई। वो कौन सी है? जो ना खुद बाप को पहचानती है और ना अपने फॉलोअर बकरियों को पहचानने देती है। ओम शांति।